और उसके अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही हो तभी हम कहेंगे साइक्लो एल्केन्स एल्केन्स साइक्लो क्या होंगे दे आर साइक्लिक हैविंग द सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम एंड हैव जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन और कोल्ड एज द साइक्लो एल्केन्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें साइक्लो एल्केन क्रिएट करना है तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम किसी एल्केन की स्ट्रक्चर ड्रा कर दें सी एस थ्री सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री जैसे हमने प्रोपेन को ड्रा कर दिया अगर हम टर्मिनल अगर हम टर्मिनल कार्बन के एच को हटा दें एक एच हमने देखो ये यहाँ पे लिया मिड वाले को एच एच रखा टर्मिनल कार्बन का एक एच हमने रिमूव कर दिया उसकी वैलेंसी एक डिक्रीज कर दी इधर से भी टर्मिनल का एक एच हमने रिमूव कर दिया उसकी वैलेंसी भी डिक्रीज हो गई मीन जो टर्मिनल कार्बन है अब उनकी वैलेंसी आपको थ्री दिखाई दे रही है और आप ये जानते हैं द नॉर्मल वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज फोर तो कार्बन अपनी वैलेंसी कैसे कंप्लीट करे तो जो टर्मिनल कार्बन है दे विल फॉर्म कोवलेंट कोवलेंट बिटवीन देम इनके बीच में बॉन्ड बना देंगे और इस टाइप से आपने देखा जो ये टर्मिनल कार्बन थे इनकी भी नॉर्मल वैलेंसी हो गई तो इस टाइप से आपका जो कंपाउंड बना यहाँ पे ये कौन बन गए साइक्लिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है दे आर दी साइक्लो एल्केन्स जो एल्केन्स हैं उनका फार्मूला जनरल फार्मूला आप जानते हैं सी एन एच टू एन प्लस टू H कितने होते हैं उसके अंदर टू एल प्लस टू अब हमने क्या किया है जब आपने एल्केन को साइक्लो में कन्वर्ट किया तो यू द नंबर ऑफ एच बाई टू दो हाइड्रोजन आपने कम कर दिए आपने एक चीज का ध्यान रखना है जब कभी भी आप एलकेन को साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट करें इस टाइप से डेफिनेशन को समझने के लिए तो आप एडजस्टेंट कार्बन के एच रिमूव नहीं करेंगे एडजेसेंट से नेक्स्ट को आप रिमूव कर सकते हैं जैसे ये सी एस थ्री से नेक्स्टेंट कौन था सी एस टू हमने एक एच सी एस थ्री का रिमूव किया दूसरा इस CS2 का रिमूव नहीं किया नेक्स्ट जो कार्बन था उसका हम रिमूव कर सकते हैं जैसे हमने किया अभी यहाँ पे और ये स्ट्रक्चर बन गई साइक्लोप्रोपेन की तो अब इसमें से अपने दो एच कम किए थे तो दो एच कम करने से जनरल फार्मूला देखो क्या बन गया सी एन एच टू एन प्लस टू थे अब टू कम कर दिए तो माइनस टू कर देंगे से कट गया गया तो तो बोलो क्या क्या बच गया? यही हमने देखो डेफिनेशन डेफिनेशन में लिखा है ऊपर हो तो आपके की सिंगल बॉन्ड एंड जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन आर कोल्ड एज साइक्लो कहते हैं नेक्स्ट जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया इसके अंदर फोर कार्बन का रिंग है तो साइक्लोप्रोपेन आपका बन गया अगर फाइव कार्बन का रिंग आ जाए तो इसी टाइप से साइक्लो पेंटेन बन जाएगा सिक्स कार्बन का आ जाए तो साइक्लो हेक्सेन एंड सो so ऑन तो इस टाइप से डिफरेंट साइक्लो एल्केन्स हम बनाएंगे देखो साइक्लो प्रोपेन सिक्स कार्बन तो साइक्लो हेक्सेन ये जितने भी आपके साइक्लो एल्केन्स होते हैं आप पोलीमिथाइली भी कहते हैं पोलीमिथाइलीन क्यों क्योंकि पोलीमीन मैनी होता है आप इसे मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं देखो हम आपको फिर से याद दिला दें जैसे आप ये स्ट्रक्चर तो जानते ही तो -E, क्योंकि तो कार्बन के अंदर बनाए वन एच इज प्रेजेंट अबो प्लेन वन बिलो एंड टू एच आर प्रेजेंट इन प्लेन ऑफ पेपर सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन अगर हम इस मिथेन के अंदर से एक H हटा दें। देखो स्टेप से तो ये जो ग्रुप बन गया देखो स्टेप से आप

Group. तो यही हमने लिखा है और आपके जो साइक्लो एलकेन है इसमें देखो साइक्लोप्रोपेन में ही आप देखें वन मिथाइलिन ग्रुप टू मिथैलीन ग्रुप थ्री मिथैली ग्रुप थ्री मिथायलीन ग्रुप है साइक्लोप्रो आप साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर इज द साइक्लोब्यूटेन ये साइक्लोब्यूटेन है नेक्स्ट

उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो आपके साइक्लो एल्केन्स होते हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड्स ये एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं और इनको हम एली साइक्लिक कंपाउंड भी कह देते हैं एली साइक्लिक क्यों कहते हैं क्योंकि एली के अंदर देयर आर टू वर्ड्स कौन से दो वर्ड है एली के अंदर एली एली ele, और ये साइक्लिक एलिमेंट्स एलिफैटिक और साइक्लिक साइक्लिक आपने अभी देखा ऊपर जितनी भी स्ट्रक्चर जो बनी हुई है जैसे साइक्लोप्रोपेन को आप देखें साइक्लोब्यूटेन को आप देखें साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन इन सभी के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये सारी की सारी साइक्लिक स्ट्रक्चर है सो साइक्लिक एलिफेटिक इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सारी की सारी एलिफेटिक कंपाउंड जैसी है तो so, इसीलिए हम इनको एली साइक्लिक कंपाउंड कह देते हैं

ये कार्बन ये सिंगल बोंड देखो कार्बन ये सिंगल बोन्ड कार्बन सिंगल बोन्ड कार्बन ये जो स्केलेटन है ये तो कार्बन का ही है ये तो आपके नेबरिंग एटम है जो कार्बन की वैलेंसी को पूरा करते हैं देखो सी एच टू वो तो साइड में प्रेजेंट है वो इसकी वैलेंसी को पूरा करते हैं देखो सी एच टू देखो स्टेप से लेकिन जो ये रिंग था जो ये रिंग है ये तो देखो किस चीज से मिल के बना है कार्बन एटम तो इसलिए हम इनको कहते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये बात हमने आपको इसलिए बताई कई बार जब हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं जैसे ऊपर हमने लिख रखा देखो सी एच टू सी एच टू सी एच टू तो कई बार जो स्टूडेंट है वो इस बात में पजल हो जाते हैं कि हमें तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही अपने रिंग के अंदर लिख रखे हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ कार्बन क्यों कह रहे हैं इसलिए हमने आपको ये अलग से यहाँ पे समझाया स्ट्रक्चर बना के कि जो कार्बन ही है रिंग के अंदर जो H है वो तो साइड में प्रेजेंट है वो तो कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं H को इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नोमन क्लेचर ऑफ दी साइक्लो एल्केन जैसे कि जो नोमन क्लेचर के बेसिक रूल है वही यहां पर अप्लाई करेंगे हम के जो बेसिक पार्ट होते हैं आईपैक नेमिंग के अंदर वो सिर्फ फाइव पार्ट होते हैं द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द वर्ड रूट सबसे पहले जब भी कोई कंपाउंड आपको दे दिया जाए तो आप सबसे पहले उसके अंदर जिस चीज को सर्च आउट करते हैं दैट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन उसे आप वर्ड रूट कहते हैं तो वर्ड रूट कौन होता है गिवन कंपाउंड के अंदर आपको क्या ढूंढनी है द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन दैट इज द प्रिंसिपल चेन दैट कॉल्ड एज द वर्ड रूट उसके बाद जो कार्बन एटम की चेन है उसके अंदर आपको क्या देखना होता है वेदर देर इज ओनली सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम चेन ऑफ द प्रिंसिपल चेन ओनली द प्रिंसिपल चेन फिर से ध्यान रखे मैं क्या कह रहा हूं प्रिंसिपल चेन के अंदर जितने कार्बन हैं उन कार्बन के अंदर हमें देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उस चीज की जो जानकारी दे दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सफिक्स मीन्स प्राइमरी सफिक्स टेल्स वेदर द प्रिंसिपल चेन इज सैचुरटेड मीन्सरेटेड मींस देर इज ए सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन कार्बन आइटम्स और द अनसे मीन्स

उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स हमें इंफॉर्मेशन देता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के बारे में जैसे एल्कोहलिक ग्रुप जिसे आप ओ OH ग्रुप कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जिसे आप सीओओ ग्रुप कहते हैं एंड सो ऑन तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो अगर डिफरेंट हो तो आउट ऑफ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ओनली वन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर की एक सीक्वेंस है जो हमने आईपैक नेमिंग की जो कंप्लीट लेक्चर आपको दिया था उसके अंदर वो फुल सीक्वेंस आपको बताई जा चुकी है आप उसको दोबारा से देख सकते हैं तो जो आपकी सेकेंडरी सफिक्स हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा इट टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप

वेदर दे आर द मिथाइल सी एस ए ग्रुप इथाइल ग्रुप मीन एलकाइल ग्रुप एराइल एंड सो ओन या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जितने सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हैं वो दिस ऑल कोलेक्टिवली कम इन द कैटेगरी ऑफ द सेकेंडरी परफिक्स

अब हम लेते हैं एग्जाम्पल जैसे ये कंपाउंड हमने लिया तो इसमें तीन ही कार्बन है एंड ऑल दीज कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द रिंग सो दैट इज द प्रिंसिपल चेन यही प्रिंसिपल चेन है हमारी जो ये कंप्लीट आपका ये कंपाउंड है दैट वोल इज द प्रिंसिपल चेन ये प्रिंसिपल चेन है ये रूट बन गई अब रूट के अंदर कितने हैं कार्बन अगर कार्बन यहां पे वन होता लेकिन वन से तो रिंग बन नहीं सकता दो होते दो से भी रिंग नहीं बन सकता रिंग बनाने के लिए कम से कम थ्री कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है तो थ्री कार्बन से ये रिंग बना तो मीन्स रूट के अंदर थ्री कार्बन है थ्री को क्या कहते हैं प्रो वन कार्बन को मिथ दो होते तो इथ और थ्री कार्बन को इथ कहते हैं तो हमने ये प्रोप लिख दिया देखो दैट इज द वर्ड रूट उसके बाद हमें ये देखना है जो ये principal chain है जो प्रिंसिपल चेन इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है इज ओनली द द बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम सो वी वी विल विल यूज प्राइमरी सफिक्स दैट इज द जो हमें ये बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमने देखो ए एन ई लिख दिया आगे उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स इस कंपाउंड में कोई है नहीं कोई प्राइमरी फंक्शन रूट है नहीं तो इसलिए सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करेंगे ही नहीं उसके बाद आ जाता है प्राइमरी परफिक्स मीन जो ये प्रिंसिपल चेन है ये साइक्लिक है या नहीं अगर साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड यूज कर देंगे अगर ये पेंस, प्रिंसिपल चेन अगर साइक्लिक ना होती तो हम साइक्लो वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पे आपकी जो प्रिंसिपल चेन है बिकॉज दैट प्रिंसिपल चेन इज द साइक्लिक वन सो वी विल यूज द वर्ड साइक्लो बिफोर द वर्ड रूट तो हमने साइक्लो लिख दिया सो दैट इज द नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड दैट इज कंपाउंडो साइक्लोप्रोपेन एंड देर इज नो सेकेंडरी नहीं लगा हुआ इस प्रिंसिपल चेन के कार्बन के ऊपर कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए एच लगाए गए हैं सी एच टू सी एच टू सी एच टू में सी के ऊपर जो एच है जो ये एच होते हैं दे नेवर एक्ट एज द सेकेंडरी प्रिफिक्स ये सब्सटीच्यूएंट का काम नहीं करते दीज आर दॉर्मल एटम विच आर यूज To complete the valency of the carbon atom, जो कार्बन की फोर होती है उसको पूरा करने के लिए H लगाए जाते हैं तो इसलिए इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखेंगे कि एच नेवर एक्ट एज दब्स्टिच्यूएंट एच को हटा के जो ग्रुप आप लगाएंगे दिस ऑल कॉल्ड एज द सब्सटीचुएंट वो सब्सटीचुएंट होते हैं वो सेकेंडरी का प्रीफिक्स का काम करेंगे यहाँ पे अब अब जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखें इसके अंदर दोबारा से जो प्रिंसिपल चेन है वो आप कौन सी हो गई देखो ये साइक्लिक जो चेन है इसके अंदर थ्री कार्बन है और जो साइड में जो चेन है देखो इसके अंदर एक ही कार्बन है तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है साइड वाली चेन उसमें तो एक ही कार्बन है. है तो इसीलिए प्रिंसिपल चेन है उसमें कितने कार्बन है देर आर द्री कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन तो हमने क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे प्रोप तो हमने यहाँ पे प्रोप लिखना है टी आर ओ पी प्रोप लिखा उसके बाद

अब देखे क्या कोई जो प्रिंसिपल चेन के जितने तीन कार्बन है क्या उनके ऊपर कहीं पे कोई सब्सटी है यस yes, इज हमने एक एच हटा के देखो सी एस थ्री लगाया है सो देट सी एस थ्रीच ये यहाँ पे किस चीज का, का काम करेगा ये यहाँ पे सब्सटीच्यूएंट का, का काम करेगा क्योंकि हमने अभी पीछे आपको सिखाया था सी एस थ्री क्योंकि मिथेन से बना था मिथेन का एक एच हटाया तो सी एस थ्री बनाया था तो क्या बोलते हैं आप इसे मिथाइल क्या बोलते हैं आपको मिथ के आगे क्या लगा देते हैं मिथाइल सो इट इज ए मिथाइल ग्रुप इसकी पोजिशन क्या है सेकेंडरी परफिक्स

मतलब इसमें हमने क्या बता रखा है कि अगर आपके पास टू डिफरेंट पार्ट हो एक तो साइक्लिक पार्ट है एक ए साइकिलिक पार्ट है तो जो साइक्लिक पार्ट है उसके अंदर ज्यादा कार्बन आइटम है सो दैट विल एक्ट एज द प्रिंसिपल चेन तो यही प्रिंसिपल चेन का काम करेगी तो इफ ए रिंग कंटेन मोर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटमल चेन के अंदर ज्यादा थ्री कार्बन थे तो हमने है, तो दिया हमने. उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया लगायाबस्टिचुएंट मिथाइल है तो मिथाइल लिख दिया पोजीशन उसकी वन है तो कॉल्ड वन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन जैसे हमने पीछे बताया था नेक्स्ट रूल नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें आपके पास टू पार्ट है हमें ये चूज कर रहे हैं विच वन इज प्रिंसिपल चेन तो आपने देखा जो रिंग तो स्ट्रक्चर है, है उसमें फोर कार्बन है तो इसीलिए ज्यादा कार्बन में है जो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर सो द प्रिंसिपल चेन तो ये प्रिंसिपल चेन आपकी बन जाएगी उसके बाद प्रिंसिपल चेन में टोटल कार्बन कितने थे फोर सो कॉल्ड द ब्यूट

नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे इसमें आप देखें कि आपके पास दो पार्ट है दो पार्ट कैसे हैं? एक तो ऐसा पार्ट है जो रिंग स्ट्रक्चर है और उसमें कार्बन भी देखो सिक्स है वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन फोर फाइव एंड सिक्स

चेन की कि द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन हैविंग डबल बॉन्ड

डबल को नंबर दिया जाएगा थ्री तो कार्बन है तो हमने प्रोप लिखा अब डबल बॉन्ड आ गया तो ई एन ई लिखा डबल बॉन्ड की पोजिशन वन और टू के बीच है डबल बॉन्ड लोएस्ट नंबर दिया जाएगा तो लोएस्ट वन है तो प्रोप वन ईन हो गया उसके बाद सब्सटीचुएंट क्योंकि छह कार्बन वाला है तो हेक्स हो गया साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्स हो गया सब्सटीचुएंट है तो वाई लगाया हमने तो साइक्लोहेक्साइल पोजीशन इसकी थ्री है सो कॉल्ड इज द थ्री साइक्लोहेक्साइल प्रोप तो इसका नाम हो गया सो दैट इज द नेक्स्ट रूल हम उसके बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए हमने प्रिंसिपल चेन भी देखी कि ये जो कोई डबल बॉन्ड नहीं है इस कंपाउंड में कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो इजीली हमने प्रिंसिपल चेन को सर्च आउट कर लिया लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर है छह कार्बन वाली है देखो दैट इज द प्रिंसिपल चेन तो ये तो हमारी बन गई देखो प्रिंसिपल चेन प्रिंसिपल चेन।, चेन के अंदर क्योंकि सिक्स कार्बन है

मिथाइल को वन मिला तो आंसर इज टू अगर हम रिवर्स नंबरिंग करते देखो इधर से मीन मिथाइल को वन देते हैं इथाइल को टू देते हैं सॉरी यहाँ पे वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री आएगा देखो वन इथाइल को था तो टू मिथाइल को थ्री लेकिन अगर रिवर्स नंबरिंग करें मिथाइल को वन दें और इथाइल को टू दें तो भी आंसर थ्री आता है तो मीन्स अगर सम ऑफ लोकेंट सेम हो तो उस वक्त क्या किया जाता है तब ये रूल हमारा एप्लीकेबल होता है कि लोएस्ट नंबर उसको देंगे जिसका प्रीफिक्स पहले आता हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल जो है इसका ई होता है और मिथाइल के अंदर देखो एम होता है और लोएस्ट सम सम रूल के अनुसार ऑफ अनुसारोकेंट दोनों जगह पे क्या आ गया सेम आ गया थ्री थ्री आ गया तो अब सम ऑफ अगर सेम होता है तो फिर क्या करें फिर हमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है इथाइल इथ तो उसको लोवेस्ट नंबर दिया इसलिए इथाइल को हमने वन दिया तो देखो वन इथाइल लिखा हमने टू मिथाइल और आगे क्या था बोलो हेक्स एन साइक्लिक था इसलिए साइक्लो लिख -like दिया था तो वर्ड रूट कौन है बोलो इसमें वर्ड रूट इज हेक्स

मिथाइल को नंबर वन दे क्योंकि दो दो मिथाइल है वहां पे देखो वन मिथाइल सेकेंड मिथाइल इसको वन दिया नेक्स्ट वाले इथाइल को नंबर दिया तो सम ऑफ क्या आया वन प्लस वन प्लस लेकिन अगर अगर हम रिवर्स करते हैं इथाइल को देखो वन देते हैं और मिथाइल को टू देते हैं तो इथाइल तो एक ही है तो वन मिथाइल दो है तो टू प्लस टू इजिकल टू फाइव तो लोवे समर इधर कौन सी नंबरिंग ठीक है आपकी नीचे वाली जो नंबरिंग थी इथाइल साइड से ये आपकी रॉन्ग हो गई और सम ऑफ लोकेंट जहां पे कम आया वो आपकी करेक्ट हो गई ये तो हो गया इसके बारे में लेकिन जब हम लिखते हैं लिखते वक्त हमें क्या करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है फिर भी तो हमने कैसे लिखा देखो ये आपकी प्रिंसिपल चेन थी प्रिंसिपल चेन में देखो आपके कितने कार्बन है देर आर सिक्स कार्बन तो हेक्स लिखा

पहला मिथाइल भी वन पे दूसरा मिथाइल भी वन डी वन वन तो एम, एम बाद में आता है। एक चीज और ध्यान रखें जब भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे इथाइल में तो ई आ गया और डाई मिथाइल में आप डी देखें नो डी नहीं देखना मिथाइल का एक्चुअल नेम तो उसका मिथाइल ही है तो हमें क्या देखना है तो जो हम डाई ट्राइवर्ड लगाते हैं उनको काउंट नहीं करना जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो मिथाइल में एम हुआ इथाइल में ई e हुआ तो इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल ही आता है लेकिन उसको नंबर टू इथाइल वन वन डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर देखो जो साइक्लोप्रोपेन की जो हमने अभी स्ट्रक्चर बनाई आपके सामने इसमें अगर आप देखेंगे तो हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है और जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए एक्सपेक्टेड अगर एसपी थ्री हो तो हम जानते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए 1.09.5 डिग्री का होना चाहिए क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री क्यों है एसपी थ्री क्योंकि जो कार्बन है इसके चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और फार्मूला क्या होता है निकालने का इज हाँ, सिग्मा बॉन्ड प्लस में पेयर तो जो कार्बन है इसने कितने सिग्मा बना रखे फोर लोन पेर कोई है नहीं तो आंसर इज फोर फोर हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है एसपी थ्री सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच ऑफ कार्बन एटम इन द साइक्लो एल्केन चाहे वो साइक्लोप्रोपेन हो चाहे ब्यूटेन हो पेंटेन साइक्लोहेक्सेन कोई भी हो एक के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है एसपी थ्री है और इसका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए 1.09 डिग्री डिग्री 28 मिनट्स मींस 1.09.5 होना चाहिए लेकिन जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है इसके अंदर वो कितना है वो तो 60 डिग्री है तो उसकी वजह से क्या हुआ देयर इज कंसीडरेबल डेविएशन फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल जो टेट्राहेड्रल एंगल से काफी डेविएशन हो गई है क्योंकि वन कहां पे तो 1.09.5 डिग्री और यहां पे 60 डिग्री तो मींस देयर इज ए लार्ज डेविएशन देयर इज ए लार्ज डेविएशन फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल तो ये जो लार्ज डेविएशन हुई वो क्यों हुई कैसे हुई वो इसलिए हुई बिकॉज देर अक्कर लार्ज बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जैसे हमने स्ट्रक्चर बना रखी है इसमें आपको दिख रहा है कि जो ये बॉन्ड बने हैं कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड हमने ओवरलैपिंग दिखाई है ऑर्बिटल्स की इन ऑर्बिटल्स की से जो ये बॉन्ड बने हैं इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है अब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हुई ये जो बॉन्ड पेयर है ये एरो दिख रहे हैं देखो जो मैंने एरो लगाए इस रिपल्शन की वजह से दिज ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल है ये बाहर की तरफ चले जाएंगे मीन्स टू मिनिम टू मिनिमाइज पेयर रिपल्शन द इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड ऑन वन साइड ऑफ द इंटर न्यूक्र एक्सिस देखो ये जो डोटे डोटेड लाइन देखो जो हमने दिखा रखी थी ऊपर वाली स्ट्रक्चर में दैट इज द इंटरलियर एक्सिस हमने इस स्ट्रक्चर में क्या दिखा रखा था इक्वली प्रेजेंट है

On one side of the axis. और उसकी जिसकी वजह से जो बॉन्ड है, है वो स्टेट नहीं रहा दो on तो ऑर्बिटल है वो शिफ्टेड हो गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टिड हो गई है सो द बॉन्ड इज बेंट आउटवर्ड बाहर की तरफ

क्योंकि जो इंटरनल बॉन्ड एंगल था साइक्लोप्रोपेन में वो कितने डिग्री का था सिक्सटी डिग्री का और जो ये उस रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था हर कार्बन कार्बन के बीच जो तीन बॉन्ड है देखो साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है तीनों बॉन्ड के अंदर ही ऐसा होगा ऐसा नहीं किसी एक बॉन्ड में होगा

इन के अंदर जो कार्बन कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि शिफ्टेड हो गई टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड देयर अपीयरेंस बिकम लाइक दैट ऑफ द बनाना सो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ बनाना बॉन्ड और आल्सो कॉल्ड एज द बेंट बॉन्ड इसके अंदर बॉन्ड जो है बेंट हो गया है उट्रक्र ऑफ दोपेन तो यह था क्या है कार्बोसाइक् क्यों कहते हैं ये हमने देखा फिर उनके नोम क्लेचर के बारे में हमने देखा कि उनकी नेमिंग कैसे करें डिफरेंट टाइप की एग्जाम्पल हमने लेके देखें कि नंबरिंग कैसे करें कब लोवे समरूल को हमें फॉलो करना चाहिए So that is all about the introductory part of the cyclopropane. Thank you.